सो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, यानी कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था। तो शुरू करते हैं। पहला, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। ये जैसे भारतीय प्राचीन भारतीय भाषा है, जैसे संस्कृत सबसे प्राचीन है, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि, यह चारों भाषाओं में हिंदी शब्द की उपलब्ध नहीं है। इसमें हिंदी शब्द कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो हिंदी का नाम कैसे हिंदी पड़ा, उसके बारे में इसमें डिटेल जानेंगे। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों का देन है। हिंदी भाषा ईरानियों का देन है, ईरानी जो ईरान से आए हुए थे। संस्कृत में सो और ध्वनि फारसी में हो बोली जाती है। जिसे संस्कृत में हम लोग सो बोलते हैं, तो उसे फारसी भाषा में उसे हम लोग हो बोलते हैं। फारसी में जैसे सप्ताह हम संस्कृत में बोलते हैं, तो फारसी में हम लोग उसे हफ्ता बोलेंगे फारसी वाला। जैसे असुर को आहूर फारसी में, तो सिंधु को फारसी में हिंदू आदि बोले जाते हैं। फारसी में सिंधु को हिंदू बोलते हैं और हिंदू की भाषा को हिंदी। तो तीसरा है भारतवर्ष की पश्चिम सीमा के लगभग, जो भारत इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है, उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। जिससे कि सिंधु मेनों को सिंधु को हम लोग हिंदू या हिंद कहते थे, सिंधु नदी को। तो कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाता था। जैसे सिंधु नदी हुआ, उसके पार के जितना भूभाग है उसे हिंद कहा जाता जाने लगा। जैसे सिंधु नदी के पार हुए तो भारतवर्ष को हिंद कहा जाने लगा। और हिंदी की ही, और जैसे कि हिंद की भाषा को हिंदी कहलाए, जैसे हिंद सिंधु नदी के पार वाले क्षेत्र को हिंद कहें और हिंद क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हिंदी कहे जाने लगे। और उत्पत्ति का कारण, जैसे मध्यकालीन अरबी, मध्यकालीन में जैसे अरबी और फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृति और अपभ्रंश भारतीयों के लिए जवान हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। और भारत में साहित्यिक भाषाएं जैसे संस्कृत, पहला संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश से भिन्न जनजात जनसामान्य की भाषा के लिए भाषा की भाषा शब्द का प्रयोग होता था। जैसे संस्कृत है कूप जल बहा बहत नीर, यह कविदास की कहावत है। लिखी भाका चौपाई कहे, यह जायसी द्वारा लिखी गई है। भाका बहनित मोरी मती थोरी, यह तुलसीदास द्वारा लिखी कविता है। जिसे इसमें भाका बोल न जानकी, इनके कुल के दोस्त केशव इत्यादि के लेखक हैं। और इसमें भाषा में कहा जाता है, भाषा की उत्पत्ति में कहा जाता है कि अमीर खुसरो जो एक शायर थे, जिसका जन्म 1553 और मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी, ने सबसे पहले भाषा या भाका के सब स्थान पर हिंदू या हिंदू भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचारित हो गया। जैसे अमीर खुसरो के ने हिंदी को हिंदवी शब्द में प्रयोग किया और उसके समय में ही पूरा भारतवर्ष में हिंदी की प्रचारित हो गई।
और अमीर खुसरो जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा का अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया, जिसमें प्रमाणित हो जाता है कि इसी से हिंदी की उत्पत्ति हुई होगी। भाषा के लिए हिंदी शब्द में प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जफलनामा 1424 ईस्वी में मिलता है, जिसे में हम लोग प्रमाणित से कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति इसी से हुई होगी।